तो भाइयों गुड इवनिंग, बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि हमने आज के लिए क्या बताया था, आने वाले कल क्या हो सकता है मार्केट में। इसके बाद आपको राशिफल और एक कल के लिए कॉल बताएंगे जिसमें काम कर सकते हो, और तो सबसे पहले बात करते हैं आज की मार्केट की। मैंने आपको बताया था कि मार्केट सुबह में पॉजिटिव रहेगा, सेकंड में आप देख लेना, ठीक है। जहाँ से लगा कि भाई मार्केट अब नीचे नहीं आएगा ऊपर ही जाएगा, वो इंडिकेशन दिया था किसने, बैंक निफ्टी ने ये बोला, वो नीचे आके अपना गैप फिल किया और ऊपर कंसोलिडेट करने लग गया। तो मैंने एक कॉल दी थी आपको, वो कॉल 80 पे थी, 110 गई थी। बाद में जो स्टॉप लॉस था हमारा, वो स्टॉप लॉस काटा, फिर ऊपर वहीं कंसोलिडेट करती रही 60 के करीब, और वो कॉल गई 60 से लेके 473, करीब करीब 7-8 गुना पैसा किया उस कॉल ने। और हम सुबह से उसी कॉल में थे, और 2-4 और स्टॉक वगैरह की कॉल दी थी। एक RSE मैंने डाला था, उसका चार्ट अच्छा लग रहा था, वो बढ़िया पैसा देके गया था। एक और स्टॉक था न्यूज में था, तो ये करते रहे। उसके बाद बैंक निफ्टी की कॉल जो है 340 पे पकड़ी हमने, और 750 रुपये तक गई, ठीक है। स्टार्टिंग से ही पकड़ ली थी, जहाँ से वो मतलब 225 के ऊपर, 335 के ऊपर नहीं जाता था कॉल, बार बार नीचे आ रही थी, मैं बोला ये ऊपर जाएगा। दूसरा मैंने बैंक निफ्टी का आपको टारगेट बताया था कि 5180, 3 दिन से बता रहा, वो टारगेट आज आ गया। तो अभी बात करेंगे कल के मार्केट की। जो मैंने बताया हुआ है यूट्यूब पे, जो मेंबर ओनली में देता हूँ मैं, एक वीक पहले पॉजिटिव बताया हुआ है मैंने मार्केट अपसाइड कल के लिए, ठीक है। तो टाइम वगैरह मैंने पहले ही बोला इस वीक काम नहीं करेंगे, तो मैं टाइम आज भी नहीं दे रहा आपको। वैसे मैंने उसमें दिए हुए टाइम, लेकिन उनमें फ़ायदा नहीं, मतलब पूरे महीने पता लगा वीक में एक दो ही काम कर रहा है, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ ग्रह संयोग ऐसे बने हुए हैं वो काम नहीं करेंगे। तो अभी बात करते हैं लेवल्स की। लेवल्स अभी बैंक निफ्टी आपका 25,550 फ्यूचर में आना चाहिए। कब आता है, एक दो दिन लग सकता है, कल आ जाए बेशक। और बैंक निफ्टी में 52,150 आना चाहिए अभी। तो हम ऊपर की बात कर रहे हैं मार्केट की, ये भी फ्यूचर में ही है लेवल, इसलिए मैं आपको ऊपर का ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये लेवल्स पता हो गए, हमें काम करना है। मार्केट कैसे ही नीचे खुल जाए तो नीचे से बाइंग करनी है। मैं कल के लिए एक कॉल बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो, ये रह गया स्लाइड में ना, चेंज करना पड़ेगा। कोई नहीं, इसी पर लिख देंगे, आपकी समझ में आ जाएगा, येलो से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्लोज मतलब अभी जो क्लोज हुई थी 343 पे हुई है, SL 200, ठीक है। अगर ये यहाँ आ जाती है 200 या 300, वैसे इसका जो अच्छा रेट है बाइंग रेट वो बनता है 293। ये ध्यान रखना, कल मार्केट नीचे खुल जाता है, नीचे जाता है, प्राइस लौट के उस दिन की तरह ऊपर आता है, तो ये वाली कॉल में काम करना, ठीक।
और ये कहाँ तक जाएगी ये लिख लो, ये इसका टारगेट, ठीक है। तो ये देखना, और भी वैसे 450 नहीं 460 है वैसे इसका, ठीक। तो अभी बात करते हैं राशिफल की। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, आप लोग नहीं करते हो। कल मैंने बोला था 5-5 आदमी को आप लोग शेयर कर देना, किसी ने किया नहीं है, उतना ही है सब्सक्राइबर, 15-20 रोज बढ़ते हैं वही बढ़े। तो अभी राशिफल बताता हूँ। मेष राशि के हैं 3.5 पॉइंट, वृषभ के 2.5, मिथुन के 3.5, कर्क राशि के 4 पॉइंट हैं, और सिंह और कन्या राशि के 3-3 पॉइंट हैं। कल सभी राशि बढ़िया है, वृश्चिक राशि के 1.5, तुला के 3.5 और तुला, हाँ धनु राशि के 3, मकर और कुंभ के दोनों के अच्छे हैं, 5-5 पॉइंट है कल, और मीन राशि के 2.5 है। तो कल का ये बनता है आपका राशि का, ठीक है। तो मार्केट अभी जोश में, फुल जोश के अंदर है, अभी कहाँ तक जाएगा क्या करेगा वो समय बताएगा। वो ईयरली वाले ग्रुप में मैंने राइटिंग में आप दिया हुआ है उनको क्या होने वाला है, राइटिंग में बताया हुआ है हमारा, आज से नहीं 6 महीना पहले से कि सितंबर में फिर नए हाई लगेंगे, ठीक है। तो पहले एक हाई लगा था सितंबर के स्टार्टिंग में, एक दूसरा आज हाई हो गया, हो सकता है तीसरा हाई कल बन जाए। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।